तो आज जो हम आपके लिए मकान लेके आए हैं, 75 गज में बना हुआ मकान है, सामने आपको 17 फीट की रोड मिल रही है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है और रेडी टू मूव ये मकान। ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हम खड़े हैं इस मकान के मेन एंट्री गेट पर, और इससे पहले दिखाऊं रोड। तो 17 फीट की रोड होने वाली है, और 17 फीट की रोड होने के नाते कनेक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। घर के आगे आपकी गाड़ी आराम से 4 व्हीलर पार्क हो जाएगी। अब चलते हैं मकान के अंदर। तो ये आपका पार्किंग एरिया होने वाला है, और इसके अलावा हम देखें इस तरफ तो ये आपका गेस्ट रूम कम लिविंग रूम होने वाला है। और जब अंदर चलते हैं हम तो 1.5 मंजिला ये मकान है, और ये जा रहा है आपका जीना फर्स्ट फ्लोर की ओर, जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। जब हम अंदर आते हैं तो ये है आपका लॉबी एरिया। लॉबी एरिया से कनेक्टेड मैं बता दूं आपको, इस साइड में आपको एक बेडरूम मिलने वाला है, इस साइड में आपको एक कंबाइंड रेसिडेंशियल का वॉशरूम मिलने वाला है, इस साइड में देखेंगे तो आपको एक ओपन मॉडुलर किचन मिलेगा, और आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपका ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम। ओवरऑल मकान के स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो जो फ्लोर है इस पर आपको टाइल्स वर्क मिल रहा है, और टाइल्स देखेंगे मकान में सब लगभग 4-4.5 फीट तक के आपको टाइल्स वर्क आपको लॉबी एरिया में मिल जाएगा। वॉल्स पे जो पेंट है बहुत ही नया और गुड लुकिंग है। इसके अलावा जो सीलिंग है आपकी डिजाइनिंग पीओपी वर्क के संग आपको सीलिंग मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किचन से। तो ये है आपका ओपन मॉडुलर किचन, बिल्कुल कंप्लीटेड है। स्टोरेज के हम देखेंगे कैबिनेट्स वगैरह पूरा तैयार है, ये आपका स्लाइडिंग कैबिनेट्स वगैरह है स्टोरेज के लिए। वेस्ट फेसिंग मकान है, विंडो इस साइड में दिया हुआ है तो वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं होने वाली। इसके लिए ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर रोशनदान दिया है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हैं। आपका आरओ सिस्टम के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आरओ आपका यहाँ लग जाएगा। सैनिटरी वर्क पूरा कंप्लीट है इसमें, वायरिंग बिल्कुल फिटिंग कंप्लीटेड है। और इधर हम आते हैं तो ये आपका है ड्राइंग रूम, देखेंगे पूरा कंप्लीट है वेंटिलेशन के हिसाब से। विंडो डबल डोर एंट्री है, लॉबी एरिया से भी कनेक्टेड है और मेन गेट से भी आपको एंट्री मिलने वाली है, विंडो वगैरह अवेलेबल है। और एक चीज इसमें अच्छी है कि वॉल्स जो है कमरे की जो दीवारें होती है उस पर एक वॉल तो आपको टाइल्स वर्क मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इस कमरे में भी टाइल्स वर्क इसमें किया हुआ है, पूरा कंप्लीटेड है। और लॉबी एरिया से कनेक्टेड हम देखेंगे ये आपका मेन बेडरूम होने वाला है, काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम है आपका। मेरे पीछे देखेंगे तो टाइल्स वर्क एक पूरी कंप्लीट वॉल पे टाइल्स वर्क हो रखा है। इस साइड में आपको वार्डरोब मिल रहा है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। और इस रूम के अलावा इस साइड में हम देखेंगे लॉबी रिसेप्शन में आपको एक वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसमें देखेंगे आपको लगभग 7 फीट तक आपका टाइल्स वर्क कंप्लीटेड है, सीलन वगैरह की समस्या नहीं आएगी। टैप्स और आपका जो शॉवर के लिए लगा हुआ है सारे अरेंजमेंट। और एक चीज और है यहाँ पे, इस वॉशरूम से बाहर हम आते हैं लॉबी से कनेक्टेड आपको एक वॉश मशीन मिल रहा है, कंप्लीट सेट है, इसमें स्टोरेज के भी फीचर्स अवेलेबल है। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा जीना है। तो ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे आपके जो ममटी एरिया से कनेक्ट है आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपको मिलना है एक बड़ा सा रूम। फर्स्ट फ्लोर पे ये काफी बड़ा रूम है, पेंट बहुत अच्छा है, वॉल्स पे आपका पेंट बहुत प्यारा किया हुआ है। इसके अलावा जो फ्लोर पे टाइल्स वर्क कंप्लीटेड है, इसके अलावा जो सीलिंग आपकी डिजाइनिंग पीओपी वर्क के साथ आपको सीलिंग मिलने वाली है। वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है। और जब हम रूम से बाहर आते हैं तो ये आपका बालकनी एरिया होने वाला है, ग्लास वर्क कंप्लीटेड है,
और फर्स्ट फ्लोर भी इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच इंडियन स्टाइल का कंबाइंड वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर इस रूम के अलावा ये जो पोर्शन आपका ओपन एरिया होने वाला है, यहाँ पे चाहें तो जैसे रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका परिवार छोटा है और आप चाहते हैं कि ऊपर किराएदार रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वर्क करा के यहाँ पे आपका किचन बन जाएगा। तो एक कंप्लीट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका अवेलेबल है फर्स्ट फ्लोर। इसके अलावा ये आपका ओपन एरिया होने वाला है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको टाइम से मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी आप यूट्यूब पर आएंगे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, हमारे थंबनेल आपको दिखेंगे, तो आपके हाथ से अच्छी डील नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है खासतौर पर मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड कांट रोड के आसपास के इलाकों में जो मेन कॉलोनी है वहाँ पर हमारे लो मीडियम हाई तीनों रेंज के मकान हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप कोई मकान या आपकी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसमें आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ ये आपको आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, बहुत जल्द हम आपकी प्रॉपर्टी कवर करेंगे और बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, क्योंकि हमारे जो चैनल की जो USP वही है, अगर आप यूट्यूब या गूगल सर्च बार में टाइप करते हैं प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद तो हमारे वीडियो रैंक करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिकने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस मकान की कॉस्ट बताने से पहले इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं समराइज कर दूं। इसके हम लोकेशन की बात करेंगे तो दिल्ली रोड के पास स्थित है आपकी खुशालपुर कॉलोनी, उस कॉलोनी में 75 गज में बना हुआ ये मकान है, सामने 17 फीट की रोड है। फेसिंग की हम बात करेंगे तो वेस्ट फेसिंग ये मकान होने वाला है। इस मकान की खासियत यह है कि इसकी जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपकी जो PAC रोड है मेन, वहां से मुश्किल से 80 मीटर के डिस्टेंस पर ये मकान होने वाला है। पार्किंग के लिए सफिशियंट एरिया दिया गया है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर हम देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम के अलावा एक ड्राइंग रूम, लॉबी एरिया, एक अच्छा मॉडुलर किचन मिल रहा है, अटैच आपको वेस्टर्न का वॉशरूम मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको एक कमरा मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम और बालकनी एरिया। इसके अलावा कुछ पोर्शन इसका ओपन है जिसे आप जरूरत के हिसाब से एड ऑन कर सकते हैं। इस मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत सुंदर होने वाला है, वो इसकी एक बहुत अच्छा USP हो सकता है। तो इस मकान का जो आस्किंग प्राइस है वो 38 लाख, यानी जो इसकी डिमांड है वो 38 लाख की है, बट ऑन टेबल नेगोशिएबल और बेस्ट ऑफर के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर 9877-6285-05। जैसे ही हमारा कमिटमेंट रहता है हम हमेशा बेस्ट ऑफ रेट में आपको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल इस्टेट एक्सपर्ट गोपाल मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल इस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।